हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हैं सभी लोग? आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, तैयारी में लगे होंगे। आज का वीडियो हमारा उन भाई बहनों के लिए है ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं और ग्रुप डी में अप्लाई करने की सोच रहे हैं, वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं। तो बिल्कुल आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हमारी वैकेंसी कब तक आ सकती है। और फाइनली देखो, सभी लोग बोल चुके हैं कि ITI जो है हमारा लागू हो चुका है। ये वाला जो आप देख रहे हैं लेटर भी सब लोग दिखा रहे हैं, RTI किसी ने लगाया है। तो क्या वास्तव में अब फाइनल हो गया है? अब कुछ हटने के चांस हैं या नहीं है? तो बिल्कुल हम लोग पूरे मतलब अपने इस सारे टॉपिक पे बात करने वाले हैं। पूरा वीडियो देखना, आपके कोई डाउट नहीं रहेंगे और जो है बिल्कुल आपकी बहुत मदद हो सकेगी। मदद हो तो वीडियो को लाइक कर दें यार, दोस्तों में शेयर कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो आपको समय पर मिलते रहे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो बात कर लेते हैं कि हमारी वैकेंसी कब तक आ सकता है। देखो आज हमारा हो चुका है 22 अक्टूबर, 22 अक्टूबर हो चुका है और वैकेंसी हमारे लेटर के हिसाब से, हमारे कैलेंडर के हिसाब से तो वैकेंसी जो है अब आपकी बहुत ही जल्दी, आपका नवंबर में वैकेंसी और अक्टूबर लास्ट तो नहीं कहेंगे, नवंबर शुरुआत में आपको कभी भी वैकेंसी देखने को मिल सकता है। और हो भी सकता है मे बी कि लास्ट अक्टूबर में आपको कोई ना कोई नोटिफिकेशन ग्रुप डी की वैकेंसी का मिल जाए। तो बिल्कुल अब आपको एकदम तैयार रहना है। वैकेंसी कब आपके बीच में, कब इसका नोटिस आपको शॉर्ट नोटिस मिल जाए आप बिल्कुल कब कह ही नहीं सकते हैं, ठीक है? तो एकदम रेडी आप रहो, तैयारी करते रहो, ठीक है? वैकेंसी आपकी नवंबर में किसी भी समय में आपका आ सकता है। शॉर्ट नोटिस आपका कभी भी टपक पकड़ता है, मतलब कभी भी आ सकता है, ठीक है? चलिए तो अब हम लोग बात करें कि सर ITI का क्या है। सभी लोग बात कर चुके हैं ITI ये किसी ने लगाया है तो क्या फाइनल हो गया है? देखिए अभी भी मोस्ट चांस तो यही है कि भैया ITI रहेगा, ठीक है? लेकिन अभी भी देखो रेलवे हमेशा कहता है कि उस जो भी चीज़ें हैं राइट उसके हाथ में होता है, वो कभी भी चीज़ों को बदल सकता है। तो बिल्कुल हम ये 100% नहीं कह सकते कि सर ITI हो ही गया है, ठीक है? ITI हो ही गया, मोस्ट चांस तो ये है कि ITI हो गया, लेकिन अभी भी चांस ये भी है कि ITI ना रहे, ठीक है? मे भी रेलवे छूट दे दे, ठीक है, कुछ चीज़ों को देखते हुए। तो 10-20% चांस अभी भी है कि ITI नहीं भी रह सकता है। और अगर ITI रहता है तो ठीक है, ITI वालों को फ़ायदा, और जिनके पास ITI नहीं है वो लोग भी परेशान ना हो, क्योंकि हमारे पास अभी कुछ तीन ऐसे हमारे पास क्या हैं डिपार्टमेंट हैं जहाँ पे हम लोग भी अप्लाई कर पाएंगे, और उन डिपार्टमेंट में एक डिपार्टमेंट ऐसा है जहाँ पे वैकेंसी भी अच्छी रहती है, ठीक है? तो बहुत घबराने की बात नहीं। देखो बाकी पोस्ट पर हमारे भैया जो हैं ITI वाले चले जाएंगे, और जो हमारे जिन पर ITI नहीं ज़रूरत है वहाँ पर 10th वाले चले जाएँगे, ठीक है? कोशिश करेंगे ITI वाले थोड़ा सा ITI वाले भैया जो हैं ऐसी पोस्ट पर ही पहले अप्लाई करेंगे जहाँ पर ITI ज़रूरत है, ठीक है? इन पोस्ट पर बाद ही में अप्लाई करेंगे जहाँ तक है मेरा मानना है। तो हालांकि ITI वाले तो हर पोस्ट पे अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन जो हमारी जिनमें सिर्फ 10th मांगा गया, हो सकता है उन पर हमारे ITI वाले भैया हो सकता नहीं करते हैं कम, ठीक है? उन पर कम करते हैं तो हमारे 10th वाले जो भाई बहन हैं उनको चांस अच्छा मिल जाएगा। तो घबराना नहीं है, वैकेंसी सब लगभग पैरेलल में चल रही है, तो बहुत ज़्यादा कटाव आपका भी नहीं जाएगा जो हमारे 10th वाले प्यारे प्यारे भाई बहन हैं। तो बिल्कुल आप तैयारी करते रहो, डीमोटिवेट होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, लगे रहो। और अगर हमारे पास अभी मौका है ITI करने का तो यार अभी आप जो है ITI कर लो, भले ही वो एक साल का क्यों ना सही, ठीक है? और क्या क्या इस लेटर में लिखा है, हालांकि आप लोग सभी लोग पढ़ चुके होंगे, यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए थे कि सर जो है क्या इस बार ITI रहेगा। देखो लिखा है कि व्हाट इज़ द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर लेवल 1, हालांकि यार थोड़ा कम दिखाई दे रहा होगा, मैं पढ़ रहा हूँ वो आपको समझा दूँगा। व्हाट इज़ द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर लेवल 1 इरेस्टवाइल ग्रुप डी फॉर ओपन मार्केट रिक्रूटमेंट रिवर्ड बैक इन डिटेल। पूछा गया था कि भैया क्या रहेगा हमारा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ग्रुप डी के लिए, जल्दी से रिप्लाई करें। तो लिखा कि मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर ऑल फ्यूचर रिक्रूटमेंट टू बी नोटिफाइड आफ्टर 15/6/19 के बाद जितनी भी लेवल 1 की पोस्ट आएंगी, आप द पे मैट्रिक्स इन टेक्निकल डिपार्टमेंट, टेक्निकल डिपार्टमेंट में देखो कौन कौन डिपार्टमेंट आते हैं, सिविल भी आ जाता है, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिग्नल टेलीकॉम ये आते हैं हमारे इनमें, और नीचे थोड़ा करते हैं इसको,
नीचे लिखा है, हालांकि यार थोड़ा ब्लर इसमें है, कम दिखाई पड़ रहा होगा। मैं पढ़ रहा हूँ, सिविल हो गया टेक्निकल में, मैकेनिकल हो गया सर टेक्निकल में, इलेक्ट्रिकल हो गया सर टेक्निकल में, सिग्नल एंड टेलीकॉम हो गया टेक्निकल में, ठीक है, एंड कैटरिंग विंग, रेलवे विल बी 10th पास प्लस नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट NAC, ठीक है, ग्रांटेड बाई नेशनल काउंसिलिंग फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग और 10th प्लस ITI। या तो आपके पास 10th प्लस ITI हो, या फिर आपके पास 10th और क्या हो, आपके पास जो हमारा नेशनल अप्रेंटिसशिप होती है वो होनी चाहिए, ठीक है, अप्रेंटिसशिप होनी चाहिए, या फिर हमारे पास 10th और ITI हो, तो हम इन डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, चाहे हमारा सिविल हो, चाहे हमारा मैकेनिकल हो, चाहे हमारा इलेक्ट्रिकल हो, चाहे सिग्नल टेलीकॉम हो, ठीक है, इनमें हम जा सकते हैं, और कैटरिंग में। और बाकी जो हमने बताया कि एक मेडिकल वाला डिपार्टमेंट है, मेडिकल है नंबर एक, एक हमारा स्टोर है, और एक हमारा ट्रैफिक है, ट्रैफिक। इनमें जितनी भी पोस्ट आती हैं, चाहे हमारा पॉइंट मैन हो, ठीक है, चाहे हमारा गेट मैन हो, स्टोर अटेंडेंट हो, या फिर हमारा मेडिकल अटेंडेंट हो, इन सभी सभी में क्या है, ITI की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, जिन तीन डिपार्टमेंट में, चाहे जिन तीन डिपार्टमेंट जो भी पोस्ट आती हैं उनमें कोई भी आपकी ITI की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। अगला इसने क्वेश्चन, जो भी जिसने भाई ने ITI लगाया होगा उसने क्वेश्चन और लिखा किया था, दूसरे क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा था कि इन लेवल वन ग्रुप डी व्हाट इज द एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर टेक्निकल डिपार्टमेंट लाइक सिविल इंजीनियरिंग मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल SNT, मतलब उसी क्वेश्चन को दोबारा से पूछा था, तो दोनों का रिप्लाई सेम हो गया। तीसरा क्वेश्चन और पूछा था कि हाउ मैनी वैकेंट पोस्ट इन ग्रुप डी ऑल ओवर इंडियन रेलवे एज डेट 25/9/2024, ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल विद द, हाँ इन्फॉर्मेशन शोट इज नॉट अवेलेबल विद RRC, कहा कि RRC के बाद अभी इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है, कितना वैकेंसी खाली है, ठीक है, तो कितना वैकेंसी आ सकता है सर, देखिए बहुत से लोग बहुत बड़े बड़े लड्डू आपको खिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि सर इतना वैकेंसी आएगा उतना, ये बता मम्मी मम्मी पास जाओ, हाँ तो बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं कि इतना वैकेंसी आएगा, उतना वैकेंसी आएगा, बहुत ज़्यादा वैकेंसी आएगा, तो देखो ऐसे लोग मतलब इतना पहले से इतना हमको इतना मतलब ऊंची इतना चढ़ाओ कि यार बाद में वैकेंसी कम आ जाए तो हम डीमोटिवेट हो जाए, है ना। देखो मेरे हिसाब से वैकेंसी आपका 15,000 से 20,000 के बीच में रहने वाला है, और अच्छे का ज़्यादा आ जाता तो बहुत अच्छी बात है, 15,000 से 20,000 भी आएगा तो भी हमारे आप डरना नहीं है, देखो सारी वैकेंसी पहले चल रही है, हर साल वैकेंसी आएगी, सिलेक्शन हमारा अभी नहीं तो दूसरी जो वैकेंसी आ जाएगी उसमें होगा, कहीं कहीं तैयारी हम लोग कर रहे हैं तो वैकेंसी हमारा सिलेक्शन ज़रूर होने वाला है, ठीक है, तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, वैकेंसी ज़्यादा आ जाता तो बहुत अच्छी बात है, हालांकि अभी हम कम सोच के चल रहे हैं, ज़्यादा वैकेंसी आ जाता तो हमें और खुशी होगी, और हम पहले से ज़्यादा सोच के चल रहे हैं और कम वैकेंसी आ जाता है तो फिर हम उदास हो जाते हैं ना। तो हम लोग अब देखो इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, और ऐसे ही आप तैयारी करते रहो, अपना ख्याल रखो, ठीक, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप हैप्पी, बाय बाय।